हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं 1:30 बजे से स्टार्ट, क्योंकि सुबह तो टाइम लगा नहीं। आज है संडे, तो संडे के दिन तो पता ही है कितने बिजी रहते हैं। तो अब जा रहे हैं हम श्री राम शॉप कुछ घर का सामान लेने। तो चलते हैं फिर दोस्तों, दिखाते हैं हम क्या क्या सामान लेके आते हैं। नीचे से दाल वगैरह लेके अब हम आए हैं ऊपर, ये धूपबत्ती वगैरह लेने। यहाँ पूजा का, इस तरफ पूजा का सामान रहता था, उस तरफ रहता कोलगेट वगैरह, क्रीम वगैरह। तो ऊपर भी, ऊपर वाले फ्लोर पे ऐसा सामान रहता है, कुछ कोलगेट, ब्रश, शैम्पू, क्रीम वगैरह ये रहते हैं। तो अब हम ऊपर भी देख रहे हैं सामान को। नीचे तो हमने भर लिया था सामान का टोकरा, और यहाँ ऊपर भी छांट रहे हैं कि क्या क्या लेना है, ये देख रहे हैं हम अभी। टैंग देख रहे कौन सा लें, कौन सा न लें। फाइनली ले लिया हमने 1 kg का। फाइनली हमने ऊपर से भी सामान ले लिया है, और अब हम आए हैं नीचे विलिंग कराने। तो देखते हैं क्या क्या लिया हमने। यहाँ पे मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी। ये लिया हमने ये सामान इतना, और अब कराते हैं विलिंग और फिर चलते हैं हम घर को। मैं भी कार्ड दूसरा छोड़ दूँगा, मैं फोन पे कर देता हूँ। विलिंग करा दी हमने, अब आते हैं हम घर। अब है ये शाम का टाइम, तो हम जा रहे हैं संडे मार्केट। संडे मार्केट जा रहे हैं हम चारों। बच्चे आते नहीं वैसे, पर हम आज इनको भी ले जा रहे हैं, और ये जाएंगे तीनों बाइक से और मैं जाऊंगी ऑटो से, क्योंकि चार नहीं बैठ सकते ना। और निकलते हैं फिर संडे मार्केट की तरफ। ये आरती, आरती को, आरती को थमाने हम ये चाय पकड़ा कर दादी वगैरह जी। हेलो गाइस, ये घूमने जा रहे हैं, और ये है नरू, ये आरती, आरती का है फर्स्ट। बाय आरती, हम जा रहे मार्केट। बाय बाय, लाइक करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब पहुंच चुके हैं हम संडे मार्केट। ये तो पहले पहुंच गए थे, लेकिन मैं अब पहुंची हूँ। मैं ऑटो से आई हूँ, तो मैं अब पहुंची हूँ। अभी इनको ढूंढती हूँ, आगे खड़े हो रखे होंगे ये कहीं, तो आगे देखते देखते जाती हूँ। ये मेरे को देख रहे होंगे, वैसे मिल जाएंगे, आगे चले गए। ये पहले आगे थे, बाइक से जल्दी पहुँच जाते तो ये पहले पहुँच गए। देखो ये वंशी बनेगी, और ये मनीषा बनेगी, भाग चुकी है अपने पापा के तरफ। यहाँ पे देखने कपड़े, ये पहले आ गए थे बाइक से और मैं आ रही हूँ ऑटो से। इन दोनों ने लिए यहाँ पे से अपने लिए एक एक टॉप, वो भी ओवर साइज। इतने आजकल बच्चे ओवर साइज पहन रहे हैं ढीले, तो यहाँ पे लिए ले लिए दोनों ने। फिर उसके बाद गए हैं ये टिक्की खाने। यहाँ पे खा रहे हैं ये टिक्की,
गुन्नो को टिक्की खाने के बाद खाने थे छोले भटूरे, तो वो छोले भटूरे खाने लग गए, तो हमने तब तक यहाँ पे आइसक्रीम ले ली, और आइसक्रीम में ली हमने चोकोबार, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, क्रंची थी, यम्मी थी। अब यहाँ पे आइसक्रीम खाने के बाद ये चले गए हैं अपने बाइक से, और मैं आऊँगी ऑटो से। तो यहाँ से काफ़ी है बाहर आने के, ऑटो तक आने के लिए। वैसे तो बीच में भी मिल जाते, पर मैं नहीं बैठी, मैंने कहा कुछ सामान देख लेती हूँ। तो सामान देखते देखते मैं यहाँ से बाहर आ गई हूँ। सो दोस्तों, ये है दूसरा दिन, और दूसरा दिन मतलब मंडे। तो आज है सोनी का रिज़ल्ट, तो मैं जा रही हूँ इसका रिज़ल्ट लेने। तो चलते हैं, हम पकड़ेंगे आगे से बस। ये आगे हम रिज़ल्ट लेके इसका, और सबसे अच्छी बात है ये अच्छे नंबरों से पास हो गई है, क्योंकि डर लगा रहे थे, हमें उम्मीद तो थी नहीं कि अच्छे नंबरों से पास होगी। हमने सोचा था क्या पता कंपार्टमेंट आ जाए, क्योंकि जब बच्चा पहले पहले 11th की बुक से पढ़ता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये रहा इसका स्कूल, और ये हो गई है अच्छे नंबरों से पास, तो थोड़ा सी खुशी हो जाती है। तो चलते हैं हम यहाँ से रिजल्ट ले कर अब बाहर। ये है इसका स्कूल, बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा स्कूल है, अच्छा है स्कूल। और ये स्कूल से अब हम रिजल्ट लेके काफ़ी खुश हो गई है वो, खुशी खुशी बाहर आ निकल गई है। वंशिका का रिजल्ट आ चुका है इसके हाथ, और वंशिका ने ये हो चुकी है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास, जो कि हमें नहीं थी उम्मीद, लेकिन उसने कर दिखाया। और मुंह छुपाने की तो परंपरा है उसकी। ये हरिनगर इसके स्कूल से आ रहे हैं, उसको और नंबर चाहिए थे बल, तो अब हम जा रहे घर। मेरे को जहाँ भी फूल दिखते हैं ना, मेरे को अच्छे लगते हैं। देखो कितने प्यारे फूल है, आप देख सकते हैं, हरिनगर का सीन है ये, कितने अच्छे अच्छे फूल है। देखो गाइस, कल मैं पूरी वीडियो एंड नहीं कर पाई थी, तो आज है ये दूसरा दिन, सेकंड दिन मंडे। तो मंडे को हम गए सोनी के स्कूल में रिजल्ट लेने, और हमें हो रहा था धक धक, इसको भी हो रहा था, तो ये हो चुकी है पास 11th में कॉमर्स विद मैथ्स 12th में। यहाँ पे आएगी हमारी बस, हम करते बस का वेट। सोनी गुन्नू हुए हैं पास, उनके पास होने की खुशी में लाए हम ये मिठाई, ये लाए पापा, ये लाए मिठाई लाए हैं हम, और इस भुक्कड़ को लगी है ज्यादा भूख।
ये कह रही इस वीडियो को करती मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना। और मैंने 2 दिन की वीडियो डाली। बाय बाय, गुड नाइट।